हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पाली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, और नवरात्र का महीना चल रहा है तो डेफिनेटली पूजा पाठ में भी कर रहे होंगे। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस समय बिजी हैं, व्यूज से ही पता चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग नवरात्र को इन्जॉय करिए। बाकी हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को डील कर रहे हैं, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें पहला जो हमारा चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। मैं एक बात बता दूं आपको 100% कि आपके एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन से दो क्वेश्चंस डेफिनेटली बनने वाले ही हैं। एक तो बिल्डिंग से बनेगा कि टाइप ऑफ बिल्डिंग, ऑक्यूपेंसी के आधार पे, और दूसरा वुड यानी जो लकड़ी यूज इस्तेमाल किए जाते हैं बिल्डिंग में, घरों में, उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन से। तो आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको इसको भी सीरियस लेके ही चलना है, क्योंकि आपके अपकमिंग आने वाले ईयर्स में, अपकमिंग आने वाले सेमेस्टर में, अपकमिंग आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। गुड इवनिंग एमडी काजू, गुड इवनिंग अर्जुन। तो आप सभी लोगों, आप लोग जैसा कि हमने बताया कि इंट्रोडक्शन बहुत चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, और दो क्वेश्चन आएंगे पक्का है, इस बात की गारंटी है, आप समझ लीजिए। ठीक है, राम राम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न कि चैप्टर है, बल्कि वो आपके आने वाले, चाहे आप फिफ्थ सेमेस्टर में सॉइल पढ़ेंगे तो भी काम आएगा, और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इम्पोर्टेंट, सारे के सारे का जो बेस है वो आपका फाउंडेशन से ही होने वाला है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फाउंडेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग बिल्डिंग के बारे में बता दीजिए सर, सोम भी पढ़ा दीजिए सर प्लीज, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है कि सर हम बिल्डिंग को बनाएंगे कैसे, उसमें हम चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए पहले से ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज हम फाउंडेशन पढ़ेंगे। अब फाउंडेशन एज अ सिविल इंजीनियर, हम सिविल इंजीनियर हैं, आप सभी जितने लोग हैं सारे के सारे सिविल इंजीनियर हैं, और आपका काम क्या है, मेन आपका मेन काम है कि सर प्रोजेक्ट को साइट पर एग्जीक्यूट कराना। तो जब आपको साइट के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा, तभी तो आप जाके साइट पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएंगे, उसको जो मैप में है वो रियल में आप उसको वहाँ पे दर्शाएंगे। तो आप तभी तो दर्शाएंगे जब आपके पास क्या होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है। गुड इवनिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चैप्टर नंबर 2 फाउंडेशन की। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस, सबसे पहले जानना होता है कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, गुलेल से किसी पक्षी को मारते हैं तो कितना निशाना बैठा के मारते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमें अगर क्या करना है, यहाँ पे भी निशाना मारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निशाना को ढूंढना पड़ेगा। वो क्या है, सबसे ईजी तरीका कि हम, ये हमारा टारगेट है, इसी पे निशाना बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, यहाँ पे हमने देखा सिलेबस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे हम यहाँ पे मूव करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज फाउंडेशन, दैट इज फाउंडेशन। देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसकी, फाउंडेशन की। समझेंगे अच्छे से, ठीक है, फाउंडेशन की। तो इसमें हमने अगर बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट और इसका पर्पज, सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि फाउंडेशन सर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताइए, और इसको हम जो घर बनाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन क्यों खोदते हैं, ठीक है ना। जो मिट्टी की खुदाई होती है, फाउंडेशन बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। साइंटिफिक रीज़न हमें जानना है, वो गांव देहात में तो जो है कॉन्सेप्ट वो तो है ही, ठीक है ना। हम इंजीनियर हैं, हमें साइंटिफिक रीज़न को जानना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे आज ही के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रस्ट मी, एग्जाम के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा हम इसमें बात करेंगे क्या, टाइप ऑफ फाउंडेशन। इसमें हम दो टाइप के फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं, पहला सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन, यानी एक उथला यानी जिसकी डेप्थ क्या होगी बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक है डीप, डीप का मतलब क्या है, गहरा, ठीक है ना, जहाँ पे सॉइल बहुत कमजोर होगी वहाँ पे हमें हार्ड स्टेटर तक पहुँचना पड़ेगा, उसके लिए हमें डीप फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक आप समझिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य के आप पढ़ेंगे आप कुछ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। चलिए, सेलो फाउंडेशन में कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सर मैट फाउंडेशन क्या होता है, कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, कैंटिलीवर फाउंडेशन क्या होता है, बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, इसके बाद डेप्थ क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, जो फाउंडेशन जो हम डेप्थ लेते हैं वो डेप्थ कितनी होनी चाहिए। इसके बाद थंब रूल ऑफ डेप्थ, डेप्थ को अगर हमें निकालना है तो सर उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, तो हम फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। विड्थ के लिए भी हम आपको फॉर्मूला देने वाले हैं। इसके अलावा थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, देखते हैं ना आप लोग जब क्या करते हैं, जब फाउंडेशन की खुदाई करते हैं तो नीचे क्या करते हैं, हम कंक्रीट बिछाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, नेशनल बिल्डिंग कोड ने इसके लिए क्या गाइडेंस दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, और जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो साइंटिफिक चीज़ों के बारे में ही हम अप्रोच लेके चलेंगे। ठीक है ना, एज अ सिविल इंजीनियर, एज एन सिविल इंजीनियर, हम लोग क्या है, सिविल इंजीनियर हैं, तो हम लोगों को जानना क्या है, साइंटिफिक जानना है। ठीक है ना, और फाउंडेशन के बारे में हमने बता दिया कि डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन के बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिर हम डीप फाउंडेशन में कि डीप फाउंडेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है इसी फाउंडेशन चैप्टर में, सेकेंड में। वेरी गुड। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अर्थवर्क की, यानी मृदा कार्य, इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेआउट कैसे करते हैं, मतलब खुदाई जब करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा चौक वगैरह या कहीं कहीं हम क्या करते हैं, आटा वगैरह गिरा देते हैं, उससे एक लेआउट करके फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, तो लेआउट कैसे करेंगे इसके बारे में भी देखने वाले हैं खुदाई में। इसके बाद कटिंग और फिलिंग, कई ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे काफ़ी गड्ढा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फिलिंग करना पड़ेगा सॉइल, तब ही हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन को, घर को या कुछ भी बनाना है वो कार्य करेंगे। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, कटिंग करना है, कोई पहाड़ टीला है उसको काट के हमें समतल बना के ही हम क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन को काम करने वाले हैं, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, एज अ सिविल इंजीनियर हम उसमें अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं, तो और कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जीक्यूशन से पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी, इन सारी चीज़ को बारे में बेटा हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंचेस क्या होते हैं, सोरिंग क्या होता है, टिम्बरिंग क्या होता है और डी वाटरिंग क्या होता है, ये सारे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के टर्म है जिसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर दूसरा आपका है फाउंडेशन। बिल्कुल, क्लास चलेगी कल, आप लोग लाइक और शेयर तो करिए, एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, आप लोग, आप लोगों को मजा आ रहा होगा तो आप लोग शेयर करिए एक बार फटाफट। देखिए, अब आ गया हमारा फाउंडेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फाउंडेशन है, इसी के बारे में हमें पूरे इस लेक्चर में बात करना है कि सर व्हाट इज फाउंडेशन। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे यहां पे, बहुत ही ध्यान से। देखिए, आप लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे, देखिए आपने फाउंडेशंस का
जो फिगर है वो कुछ देखा होगा आप लोगों ने अपने बुक वगैरह में। अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फाउंडेशंस के बारे में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फाउंडेशंस के बारे में, तो सर आपने बताया था पहले भी हमें कि दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, एक होता है दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बेटा हमें पढ़ना है सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, और दूसरा सब स्ट्रक्चर क्या होता है। दो टर्म को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। दो टर्म को हम कहां से समझने वाले हैं, इस जो हमारा फाउंडेशन है इसी से हम समझने वाले हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या है बेटा, ग्राउंड लेवल है। अब देखिए, जो हम इसके ग्राउंड लेवल के ऊपर ही ऊपर हम क्या करते हैं, अपने भवन को बनाते हैं, यह तो सिंपल सी बात है। यस या नो बताएंगे कमेंट करके कि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर ही तो घर बनाते हैं, क्या ग्राउंड लेवल के नीचे भी बनाते हैं, कमेंट करके बताएंगे। अब हमने कहा कि इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर तो हमें कंस्ट्रक्शन काम करना है, ठीक है, लेकिन हम न्यू कहां पे बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक है, काम हम कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं आप कि इस ग्राउंड लेवल के नीचे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस चौड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं और यहाँ पे खुदाई का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि संरचना यानी स्ट्रक्चर का वह भाग जो सॉइल के यानी मृदा सतह के नीचे बनाया जाता है, और सुपर स्ट्रक्चर के समस्त भार को, सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं बेटा, जो भी हमारा ग्राउंड लेवल के ऊपर ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी दीवार हो गई, हमारा क्या है दरवाजा खिड़की से लेके छत वगैरह हो गई, सारी की सारी क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी अगर हम खड़ा हो जाएं और जो जो चीज़ हमें दिखाई दे दे, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, आप फाउंडेशन आप देख पाते हैं क्या, मिट्टी में वो क्या होती है, कवर हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ठीक है ना। जैसे दीवार वगैरह हो गया ये, और जो हमारे बिल्डिंग विंडो हो गया, डोर हो गया, छत हो गया, सारी की सारी क्या है, जो हमें दिखाई स्ट्रक्चर दे रही हैं। जो नहीं दे रही हैं वो क्या होती हैं, सब स्ट्रक्चर होती हैं, जो हमारी क्या होती है, ग्राउंड लेवल के नीचे होती हैं। अब आपने कहा सर कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे फाउंडेशन बनाते हैं, देखिए खुदाई करेंगे और यहाँ पे हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं। एक एक चीज़ बताऊँगा, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ये हमारे कोर्स एग्रीगेट हो गए बेटा, और इसमें हम फाइन एग्रीगेट डाल के यहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट, या हम कह सकते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खुदाई करने के बाद हम इस ग्राउंड लेवल से क्या कर रहे हैं, खुदाई किए, खुदाई करने के बाद हम एक सतह बनाते हैं यूनिफॉर्म, जो क्या होता है, एक बिल्कुल एकदम समतल सतह बनाते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट क्या होता है, मिक्सर्स होता है, किसका, गिट्टी का, बालू का, सीमेंट का, और उसमें पानी डाल देंगे, दैट इज हमारा क्या होता है, कंक्रीट होता है। उसी को हम फिर बिछाते हैं और एक हार्ड क्या बनाते हैं, एक हार्ड हम सतह बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी सतह से फिर हम क्या करते हैं, अपन एक्सटेंड करते जाते हैं ऊपर की साइड, और हम कहाँ तक आ जाते हैं, प्लिथ तक आ जाते हैं। तो समझेंगे, हमने कहा कि यहाँ तक किया। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने क्या काम किया है, इसको बेटा देखिए दो टर्म आती है, एक आता है फुटिंग और एक आता है फाउंडेशन। ये क्या है बेटा, दैट वर्क इज फाउंडेशन। ये क्या है हमारा, फाउंडेशन न्यू। और ये जो आप देख पा रहे हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला सारा सेक्शन,
दैट इज कॉल्ड फुटिंग। देख रहे हैं ना आप, फुटिंग मतलब फुट का मतलब क्या है, आप जैसे स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड फुटिंग। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये वाला जो है ना सर, ये स्टेप टाइप का, ये क्या कर रहा है हमारा, फुटिंग। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें सबसे पहला हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। अब देखो यहां से टर्म बनते हैं, अभी तक तो बेसिक चीज थी, ठीक है ना। अब हमारा जो टर्म्स बनने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनने वाला है कि हमने कहा कि हमने फाउंडेशंस को बनाया, तो क्यों बनाया, इसका कोई पर्पज रहा होगा। हम क्या करेंगे, अगर हमें न्यू को डेफिनेशन देना होगा तो हम कहेंगे सर संरचना का वह भाग, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे बिल्डिंग का क्या है, एक हिस्सा ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सारे ब्रिक है, ये क्या है, ब्रिक है, ये कैसे है, ब्रिक है। ठीक है, यहां से क्या आने वाली है, लोड आने वाली है। ठीक है, बिल्डिंग पे लोड आएगी, स्लैब का, दीवाल का, ठीक है ना, आने वाली है लोड। अब हमने कहा कि इसका जब लोड आएगा तो लोड कहाँ पे आएगा, इसका जो लोड आएगा सर वो सीधे जाएगा कहाँ पे, फाउंडेशन के थ्रू, और ये किक्स के थ्रू। ये कहाँ पे सटा हुआ है, ये सटा हुआ है जमीन में। ठीक है, फाउंडेशन के नीचे क्या होता है, जमीनी तो होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ से लोड अगर आया तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बड़े से क्षेत्रफल में, यानी सॉइल के बड़े से क्षेत्रफल में लोड बिल्डिंग का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, और बिल्कुल हमारा घर क्या है, सेफ हो जा रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग अविनाश। ठीक है, तो हमारा बिल्डिंग क्या हो रहा है, सेफ हो जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि सर आप मुझे ये बताइए कि न्यू की फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन जो न्यू है उसकी डेफिनेशन हम क्या लिखने वाले हैं। तो हम ये लिखेंगे फाउंडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, न्यू। फाउंडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यू। हम कहेंगे कि संरचना का वह भाग, ठीक है ना, संरचना का यानी स्ट्रक्चर का वह भाग जो क्या है, जो भूमि तल यानी जो हमारा क्या है, जो भूमि तल है उससे नीचे बनाया जाता है। ठीक है ना, कि संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है, जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है, क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है सर, फाउंडेशन कहलाता है, न्यू कहलाता है। बाकी इसका और भी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, घबराएंगे नहीं, यहाँ पे और भी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं कि सर और भी अगर हमें लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे। इसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि फाउंडेशन संरचना का वह भाग होता है जिस पर समस्त क्या हो रहा है, जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है, और सुपर स्ट्रक्चर अधिरचना जो हमारी है, ठीक है ना, यानी सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसका लोड क्या है, फाउंडेशन पे आने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी उसी को हम कहेंगे कि सर ये हमारा फाउंडेशन है। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशंस के थ्रू, अब यहाँ पे डेफिनेशंस के थ्रू पढ़ेंगे कि हमने क्या कहा कि संरचना क्या है, ठीक है ना, यानी न्यू क्या है, जो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। अब समझेंगे यहाँ पे हमने क्या कहा आपसे कि उस भाग को जो भूमि तल यानी संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है, भूमि तल से नीचे बनाया जाता है और अधिरचना के समस्त भार को क्या करता है, सहन करता है। ठीक है ना, और अधिरचना के समस्त जो भार है उसको क्या करता है, नीचे स्थानांतरित कर देता है, यानी जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भार है वो बड़े से क्षेत्रफल में सॉइल के आ जाती है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर धंसता नहीं है, नहीं तो ऐसे तो धंस जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, सब स्ट्रक्चर अथवा न्यू फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, न्यू का निचला भाग सदा अवमृदा के संपर्क में रहते हैं, जो सबसे बॉटम, ये हमने कहा था अभी आपसे कि जो हमारे ये वाले सेक्शन है, ये वाले,
ये वाला, ये क्या है यहाँ पे, ये सॉइल है, ये क्या है, ये सारे सॉइल है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये सारा सॉइल है। तो क्या इसका जो फाउंडेशन का सबसे नीचे वाला भाग है, क्या वो सॉइल से नहीं सटा हुआ है? सॉइल से तो सटा रहेगा ना, हवा में तो रहेगा नहीं। अनु गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट करके बताएंगे फटाफट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हमने कहा कि ये सॉइल में से, ठीक है ना, सॉइल से बिल्कुल सटा होता है, ठीक ठीक है, संपर्क में रहते हैं। आपको समझ में आया यहां तक? सॉइल यानी हमने कहा यहाँ पे कि फाउंडेशंस जो होते हैं वो कुछ नहीं होते, जो सॉइल के नीचे बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन, ठीक। चलिए अब यहां पे भी हमने वही लिखा कि दैट पार्ट बिल्ट बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड फाउंडेशन। फिर हमने कहा कि द इंटायर वेट जो होती है सुपर स्ट्रक्चर की, वो क्या होती है, वो फाउंडेशन, यानी जो फाउंडेशन है या सब स्ट्रक्चर है उसमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक। कमेंट करके आप लोग बताएंगे आप लोगों को समझ में आया अभी तक जितनी भी चीजें हमने बताया कि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर है। सी सी लिख के बताएंगे आप लोग कि क्रिस्टल क्लियर है, सी लिख के बताएंगे आप फटाफट। चलिए अब दूसरी बात अगर हम करें यहां पे, तो जो हमारा फाउंडेशन है उसका काम क्या है, क्यों बनाते हैं, बनाने का देखिए कोई भी काम अगर हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल जी, देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है, बिना पर्पज के तो हम करते नहीं है। फाउंडेशन अगर बना रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। क्या फायदा है? तो बिल्कुल सी सी आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, क्लिस्टर क्लियर, वेरी गुड। आप लोग लाइक और एक बार शेयर करेंगे, मंजेश विश्वकर्मा गुड इवनिंग, आप लोग एक बार लाइक और शेयर दोनों करेंगे, आप लोग एनर्जी लाइए थोड़ा सा, एनर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। चलिए अब हमने कहा कि न्यू के क्या है, कुछ उद्देश्य हैं और इसके कुछ कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात करेंगे यहां पे, ठीक है, न्यू के उद्देश्य, देखिए अब यहां पे बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आ गया है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब आपको यहां पे समझना है कि सर जो हम आप बता रहे हैं कि न्यू जो बनानी है उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ठीक है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रक्चर लोड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का उसको हम बड़े से क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही तो होता है बेटा। तो हमने पहले क्या लिखा, टू डिस्ट्रीब्यूट, हिंदी वाले डरेंगे नहीं, हिंदी भी बताऊंगा, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि इसका मतलब यह है कि सुपर स्ट्रक्चर के, ठीक है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, यानी या इसे और अच्छे से लिखते हैं, इसे और थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं मैं, टू डिस्ट्रीब्यूट द सुपर स्ट्रक्चर लोड ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को बड़े से क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। यह आपको समझ में आया? यस या नो करके बताएंगे फटाफट। दूसरा अगर बात करें यहां पे, टू डिस्ट्रीब्यूट टू प्रोवाइड
यूनिफॉर्मली बेस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या है कि ओवर हमने क्या किया, पहले में जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड हैं उसको हमने बड़े से क्षेत्रफल में ट्रांसफर कर दिया ताकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है सेफ हो जाए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके डिटेल में भी और तब आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नहीं अनूप ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना, अब समझेंगे। और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक बेस प्रदान कर रहा है। ठीक है ना, बेस का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेस हमारी होती है फाउंडेशंस की वो कैसी होती है, यूनिफॉर्मली होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी में, सर जी मैंने अभी बताया कि आपको डरना नहीं है, आप लोग तुरंत डर जाते हैं, हिंदी में तो बोल रहा हूं। चलिए, और तीसरा चीज क्या है कि लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी भार को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, चौथा अपरदन यानी इरोजन से सुरक्षा। ठीक है, सेफ्टी अगेंस्ट इरोजन, ध्यान से अब समझेंगे। यहां पे अब आपको समझने वाली चीज आ चुकी है क्योंकि यहां पे बहुत सारे पॉइंट बन चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी के स्टूडेंट सारे हैं मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हिंदी में ही लाऊंगा। मैंने बताया ना कि ये क्या है कि सुपर स्ट्रक्चर के बड़े से, जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भार है उसको बड़े से क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट करना पहला है। दूसरा क्या है कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं मतलब जो लोड आ रहा है उसको एक यूनिफॉर्मली बेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तीसरा हमने कहा कि भार को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोड आ रहा है उसको एक बराबर से, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है भार। ठीक है, चलिए इसके बाद अपरदन यानी इरोजन। आप लोगों ने देखा होगा जब बाढ़ वगैरह आती है या पानी का कटाव होता है, इरोजन का मतलब क्या है, कटाव। जब पानी बहता है तो आप लोगों ने देखते नहीं है मिट्टी कटने लगती है, कहते हैं ना गांव में कि बिल्कुल कट कट के जो है खदर गई है मिट्टी। ठीक है, तो उससे भी ये क्या करता है, फाउंडेशन सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किंग ऑफ मिर्जापुर, ओके। अब देखिए यहां पे पांचवा, वायुमंडल वायुमंडल तथा हानिकारक प्रभाव से बचाओ। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट टर्म आ चुका है, अब यहां पे आपका इंपॉर्टेंट टर्म आ चुका है। अब आपको यहां पे समझने वाली चीज है, दिमाग को खोल के यहां पे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए पहला क्या था, पहला क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द सुपर स्ट्रक्चर लोड ओवर लार्ज एरिया। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप, ठीक है ना, लोड जो आ रहा है, जैसे बिल्डिंग है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, अब इसके लोड को हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं ये क्या है, इसका फाउंडेशन है। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं इसका फाउंडेशन है नीचे। ठीक है, अब यहां पे जो फाउंडेशन है ठीक है, फाउंडेशन जो है हमारा, वो फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी बियरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो जब हमारी क्या होती है,
कमजोर अगर है तो हम वहां पे क्या करते हैं, फाउंडेशंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है सर, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी यानी सहन करने की शक्ति किसकी, सॉइल की, ठीक है ना। सॉइल में कितना सहन कर सकता है भार को, दैट इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो हम ये कहेंगे कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल सहने की मतलब क्या, लोड आ रहा है, ठीक है ना कोई क्षेत्रफल होगा, यानी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो सॉइल है वो क्या होगी हमारी, हम कह सकते हैं जो प्रेशर इंटेंसिटी है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बिल्कुल देखिए, हमने क्या कहा कि जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है ये क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, लोड क्या होने चाहिए, कम आने चाहिए। आपकी बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल है, जो लोड आ रहा है वो क्या है, या तो बराबर हो जाए या फिर लोड क्या हो, कम ही रहे, नहीं तो फेल हो जाएगा सॉइल हमारा, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो सॉइल है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, किससे, प्रेशर इंटेंसिटी से, यानी जो स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है उससे, यानी स्ट्रक्चर लोड के, ठीक है, यानी जो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का है वो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है इसको हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाउंडेशंस इसलिए बनाते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर के लोड को जब उस पर डालें तो हमारा सॉइल क्या है, फेल ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि हमने कहा सर कि जो स्ट्रक्चर का, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर है, उसका भार जो है कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसके, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के, तभी तो सेफ होगा, अदरवाइज क्या होगा, सॉइल फेल हो जाएगी। अब यहां पे समझेंगे, तो अब हमने कहा ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं था, मैंने बस जो बताया है वही यहां पे भी है, डेफिनेशंस को भी यहां पे देखते चलेंगे। हमने कहा कि न्यू के उद्देश्य या उसके कार्य, सबसे पहले हमने जो बताया आपको वही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को बड़े से क्षेत्रफल में। दूसरा आप देख पाते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली, यानी एक समान से लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फाउंडेशंस के फायदे हैं ये, बियरिंग कैपेसिटी यानी सहन क्षमता, मृदा की सहन क्षमता, ठीक है ना, मृदा की सहन क्षमता बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को। वेरी गुड। अब देखिए हमने कहा कि संरचना के भार को, संरचना के भार को विस्तृत क्षेत्र पर क्या करना, वितरित करना, यानी टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड स्ट्रक्चर ओवर लार्ज एरिया। दूसरा अभी हमने जस्ट बताया कि भार को समान रूप से वितरित करना, यानी जो लोड आ रहा है ना उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, लेट अस सपोज, अगर हम मान लें यहाँ पे कि हमारा एक फाउंडेशन है, एक इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, यानी जो सहन करने की जो क्षमता है वो 10 टन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। हमने क्या कहा, सॉइल की जो सहने की जो क्षमता है वो 10 टन पर न्यूटन है, पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि इस लोड को यूनिफॉर्मली करो, अब हमने कहा कि यहां पे ध्यान से समझेंगे, ये फाउंडेशन है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, फाउंडेशन है, समझना अच्छे से, समझ में आएगा ये, बहुत बढ़िया, देखेंगे। अब हमने कहा कि इस पे हमने क्या कहा, कहीं पे 6 टन का लोड लगा दिया, कहीं पे हमने 8 टन का लोड लगा दिया और कहीं पे 5 टन का लोड लगा दिया, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा,
क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी यानी जो सहन करने की क्षमता है वो कितनी है, 10 टन है, और हमने जो लोड लगाया है वो तो इससे कम ही है, तो फेल तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लोड को, तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, उसमें क्रैकिंग आ सकती है। ध्यान देंगे, हमने कहा कि यहाँ पे जो लोड कर रहा है, ठीक है ना, ये 60 कर रहा है, फिर पता चला कि थोड़े से एरिया में 8T कर रहा है यानी 8 टन कर रहा है, फिर हमने कहा कि छोटे से एरिया में कितना कर रहा है, 5T कर रहा है। तो क्या स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है वो यूनिफॉर्मली है, नहीं है। यानी यहाँ पे अगर ऐसा सॉइल है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी फाउंडेशंस में हमें क्रैकिंग देखने को तुरंत मिलेगा, ठीक है, डिसबैलेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो दूसरा क्या है कि हम लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके द्वारा, फाउंडेशंस के द्वारा, ऐसा बनाएंगे हम, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड, ठीक, अब हमने क्या कहा, सुपर स्ट्रक्चर के लिए समतल सतह प्रदान करना, ठीक है ना, स्थिरता प्रदान करना। इसके लिए हमने क्या कहा कि अगर समतल नहीं रहेगा, ध्यान से समझेंगे, अगर उबड़ खाबड़ रहेगा, जैसे हमने कहा, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है ना, देखिए जैसे हमारा फाउंडेशन ये है, अब इसके ऊपर लोड आ रहा है तो लोड को क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हमारा ये जो हमारा फाउंडेशन का जो बेस है अगर यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा तो क्या स्ट्रक्चर का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, यानी एक समान से वितरित होगा भार, नहीं होगा। यानी अब यहाँ पे भार कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और, यानी ये क्या होगा, एक समान से नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक समान नहीं होगा। तो उस केस में भी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर में क्रैकिंग वगैरह देखने को आ जाते हैं, और वहाँ पे सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का हमें देखने को मिलेगा। तो ये हानिकारक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ पर्पज़ होते हैं, उस पर्पज़ को पहले हमें समझना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, फाउंडेशंस को बनाएंगे। क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस अगर हमें नहीं समझ में आई रहेगी तो हम क्या करेंगे, बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। पर तो हमें पर्पस याद होना चाहिए, वेरी गुड। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या है, वायुमंडलीय प्रभावों एवं परिवर्तन के प्रति सुरक्षा। आप फाउंडेशंस को क्यों बनाते हैं, आपने देखा है कि खुदाई क्यों करते हैं, ठीक है, खुदाई करने का, ध्यान देंगे मेरी शब्दों पे, ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके माइंड में घुस जाना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे कि जो आप फाउंडेशंस की खुदाई करते हैं, इसलिए खुदाई करते हैं ताकि जो बाहर का इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है, हानिकारक, जो जैसे आप जानते हैं कि कभी इरोजन हो गया, सॉइल में क्या होते हैं, मॉइस्चर्स होते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो सॉइल में क्या होते हैं, वातावरणीय जो हमारे वायुमंडल के जितने भी हानिकारक क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल पे अटैक करते हैं। तो अगर हम फाउंडेशंस को क्या करते हैं, गड्ढे में ले जाएंगे, तो वहाँ तक वायुमंडलीय इफेक्ट पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हम तो सॉइल के अंदर हैं, ठीक है ना, मृदा के नीचे तक हैं, इसीलिए उसको बनाया जाता है ताकि सेफ किया जाता है अल्टीमेटली, कि जो बाहरी इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो हमारे फाउंडेशंस पे ना पड़े, ठीक है। और परिवर्तन के प्रति सुरक्षा, अगर इरोजन भी होता है तो उसमें भी क्या करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमारा फाउंडेशंस, तो इसके क्या है, उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए इसके बाद कटाव के प्रति सुरक्षा, यानी अभी हमने बताया कि सेफ्टी में भी क्या हो, इरोजन में भी क्या होता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कटाव अगर होती है तो फाउंडेशंस क्या है, उतना जल्दी कटाव में नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये भी बेनिफिट्स हो जाते हैं, बिल्कुल, भूकंप से बचाने के लिए भी बनाते हैं, ठीक है ना, टर्बुलेंसीज वगैरह आती हैं, कभी हवा चल गया, यानी इन डिसबैलेंस नहीं होता, ठीक है ना, डिसबैलेंस को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, भूकंप वगैरह आते हैं, झटके वगैरह आप देखते रहते हैं, हवा चलता है कहीं तेज से, तो उस केस में भी हमारा फाउंडेशंस क्या है, बिल्डिंग को जकड़ा रहता है, मजबूती से ज़मीन में क्या होता है, पकड़ा रहता है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर इधर उधर ना हो, तो ये हमें क्या होते हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं।
वेरी गुड अनूप। अब देखिए, अब वही है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फाउंडेशंस। अभी जो हमने बताया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर लोड को लार्ज एरिया में, दूसरा हमने बताया कि यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तीसरा हमने बताया कि एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराते हैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए, फिर हमने बताया कि एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस एंड चेंजेस के लिए क्या होता है, ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेफ्टी अगेंस्ट इरोशन, ठीक है, कटाव में भी हेल्प करता है। बिल्कुल अनु, तो इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई लिख के आप कमेंट करिए फटाफट, वाई कर लिख के आप फटाफट कमेंट करेंगे कि हाँ सर अभी तक जितना हमने पढ़ा उतना आपको समझ में आ चुका है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि अच्छी न्यू की विशेषता। बेटा अगर अच्छी न्यू बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, ठीक है। विशेषताओं की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, सबसे पहले हम, तो मैंने बताया आपको एक पॉइंट कि ये लार्ज एरिया में क्या करता है, ओवर जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल हिमांशुर कुमार ने सही बताया है, एक पॉइंट ये भी है, बिल्कुल। आप लोग भी बताइए, आप लोग भी बताएंगे कमेंट करके बताइए कि अगर हमें अच्छी न्यू की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, सारे बच्चे एक एक विशेषता बताएंगे, मैं रीड कर रहा हूँ, एक एक विशेषता आप लोग बताएंगे, मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, हिमांशु ने बता दिया है, चलिए। अब देखिए, अभी पहला तो हमने बता दिया कि वही है कि न्यू संरचना पर आने वाले जो भार हैं को अधिक क्षेत्रफल पर वितरित करनी चाहिए, यानी जो स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है वो जितना ज़्यादा एरिया को कवर करके डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना भी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा, ठीक है। और ताकि जो भार है, भार की तीव्रता मृदा की सुरक्षित कैपेसिटी कम हो, ठीक है, यानी जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है उससे क्या है, हमारी प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, वेरी गुड। अब देखिए, न्यू संरचना के भार को समान रूप से संचारित करनी चाहिए ताकि संरचना में असमान बैठाव ना हो। अभी हमने बताया ना कि जो हमारा स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है बेटा, उसको हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा नहीं कि आधे स्ट्रक्चर का लोड कहीं और आ रहा है फाउंडेशन पे और आधे स्ट्रक्चर का लोड कुछ और आ रहा है। अभी हमने दिखाया ना 5 टन 8 टन का करके, तो उस तरीके का कंडीशंस नहीं बननी चाहिए। चलिए इसके बाद अगर बात करें, न्यू क्षेत्र में जल निकासी यानी ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, हिमांशु ने भी बताया, ठीक है, ड्रेनेज का क्या होना चाहिए, समुचित व्यवस्था होना चाहिए ताकि सीपेज वगैरह ना हो जिससे फाउंडेशंस वीक ना हो, ठीक है ना, तो उस केस में भी हमें ड्रेनेज का ख्याल रखना चाहिए, वेरी गुड, आप लोग सही बता रहे हैं। चलिए, न्यू पर्याप्त गहरी होनी चाहिए ताकि इस पर वायुमंडलीय परिवर्तनों का प्रभाव ना पड़े, ये सारे पॉइंट अभी हमने बोला है, डिस्कस किया है, उसी चीज़ को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अभी हमने बताया कि हम इतना गड्ढा रहे ताकि, यानी डेप्थ इतनी रहे ताकि वहाँ पे वायुमंडलीय प्रभाव का कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक, बातें नहीं। इसके बाद न्यू का जो पदार्थ है ऐसा होना चाहिए जो मृदा एवं नमी के संपर्क से विघटित न हो तथा टिकाऊ भी हो, यानी जो हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, जो हम कंक्रीट में जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सैंड हो चाहे सीमेंट हो, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये यहाँ तक पे कहने का मतलब है कि ताकि वो क्या है कि अगर उसमें मॉइस्चर्स वगैरह जाते भी हैं तो बहुत जल्दी विघटित ना हो, ख़राब तुरंत ना हो, कुछ टाइम तक चले उसके बाद भले ख़राब हो जाए लेकिन
तुरंत क्या है, बिल्कुल ये खराब नहीं होना चाहिए। ओके, नींव का गुरुत्व केंद्र व अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर का जो सीजी है वो क्या है, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा कि हमने कहा कि ये हमारा, हमने कहा ना अभी, हमने भी फाउंडेशंस को बनाया हुआ था, अभी हमने फाउंडेशंस को बनाया हुआ था, हमने कहा कि जो इसका जो सीजी है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, इस जो हमारा फाउंडेशंस है इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए, इसके सीजी में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर का जो सीजी है वो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए, बिल्कुल। अब यानी हमने इतनी सारी चीज़ों को देखा कि सर जो अच्छी न्यू है उसमें क्या क्या हमें सावधानी, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें छिपी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए अनूप, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, फीचर्स ऑफ, जो भी हमने बताया उसी का ये इंग्लिश वर्जन है, कि हमने जो बताया है सारे पॉइंट्स वही यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में है, आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे कि फाउंडेशंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके भी सब टाइप पूछा जाएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए अच्छे से समझेंगे, न्यू के प्रकार बेसिकली बेटा न्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है, उसके बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन करके अलग अलग हम क्या करने वाले हैं, फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली दो टाइप्स क्या होते हैं फाउंडेशन, आप कमेंट करके बताएंगे कि दो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए। पहला उथली न्यू, जिसको हम सेलो फाउंडेशन कहते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप लोग दूसरा क्या होगा। गहरी न्यू यानी डीप फाउंडेशन, कौन बताएगा कि सेलो फाउंडेशन किसे कहते हैं, कोई बेटा है ऐसा जो जानता हो कि सेलो फाउंडेशन किसे कहते हैं। देखिए अब यहां पे बात करेंगे सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशंस की, बिल्कुल अर्जुन ने सही बताया, गहरी बोल दी या, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, पहला अगर हम बात करें उथली की, तो बेटा हम जानते हैं कि जो हमारी डेप्थ होती है, ध्यान से समझेंगे बेटा, जो हमारी विड्थ है चौड़ाई, या फिर हम गहराई बोल दे, दोनों में हमें रिलेशन से रिलेट कर लेना है, ठीक है ना, जो डेप्थ है, ध्यान देंगे बेटा किसके केस में, सेलो के केस में, जो हमारी डेप्थ है या फिर वो क्या आ जाए, विड्थ के बराबर हो जाए, ध्यान से समझेंगे, डेप्थ जो है विड्थ के बराबर हो जाए, या फिर जो डेप्थ है
वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, वृत्त से, यानी ये क्या है, कम हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि वृत्त ज़्यादा हो गया या बराबर हो जाएगा डेप्थ के, तो हम क्या कहेंगे उस केस में कि सर ये जो हमारा फाउंडेशन है दैट फाउंडेशन इज कॉल्ड सैलो फाउंडेशन। ठीक, आपको समझ में आया इतना, बिल्कुल गहरी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, यानी हमने कहा कि डेप्थ कम है, विड्थ ज़्यादा हो रही है, चौड़ाई ज़्यादा हम कर दे रहे हैं, लेकिन डेप्थ ज़्यादा नहीं है। डेप्थ या तो बराबर है विड्थ के या फिर डेप्थ कम है विड्थ के, तो ये कौन सा केस बनेगा बेटा? इस केस में हम कह सकते हैं कि सर ये सैलो फाउंडेशन है, ये सैलो फाउंडेशन। अगर यहां पे अगर बात करें कि जो डेप्थ है वो ज्यादा हो जाए विड्थ पे, तो यहां पे कौन सी केस आ जाएगी सर? यहां पे गहरी गहरी न्यू आ जाएगी। ठीक है, गहरी न्यू का ये हमारा हो जाएगा केस। वेरी गुड, तो आप लोगों ने समझा कि उथली यानी सैलो फाउंडेशंस और डीप फाउंडेशन दोनों में हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब हमारा विड्थ ज्यादा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा डेप्थ के तो सैलो फाउंडेशंस, जब ब्रीथ हमारा कम होगा या कह सकते हैं जो डेप्थ है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, ब्रीथ के, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि सर हमारा ये जो फाउंडेशंस है दैट फाउंडेशन इज डीप फाउंडेशंस। आपको समझ में आया? कमेंट करके फटाफट बताइए। ठीक है, तो हमने यहां पे देख लिया कि सैलो फाउंडेशंस क्या है, डीप फाउंडेशंस क्या है, और हम इसके केस में कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि सर हमारा डीप और सैलो है, हमने बता दिया डेप्थ और विड्थ के यानी चौड़ाई और गहराई के फॉर्म में। ठीक, यस सर, समझ गए, वेरी गुड। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे हम कल इसी टाइम। आप लोग लाइक तो कर दीजिए, जितने बच्चे हैं लाइक करिए आप लोग फटाफट। तो मिलते हैं बेटा कल, ठीक है, शाम को 5 बजे नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। बाकी आप लोग दशहरे मना रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।